डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का 89 वां कन्वोकेशन है और श्रुतु माहेश्वरी ने टैक्स असेसमेंट के बाद अब 4 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। सीधे उनसे बात करते हैं, उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में। बहुत बहुत एक और बार दोबारा से शुभकामनाएं। यूपीपीएससी के बाद में 6 रैंक के बाद अब आपने गोल्ड पर कब्जा किया, वो भी 4। किस तरह से देखते हैं? खुशी हो रही है मुझे आज। मतलब मुझे चाहिए था कि एक बार मुझे कन्वोकेशन में राज्यपाल के हाथों कोई मेडल या फिर कुछ भी ऐसा मिले, और आज मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। क्या लगता है, शुरुआत से ही श्रुति एकदम पढ़ाकू लड़की टाइप की थी, या शुरू से तय कर लिया था कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस या फिर ये सब? हाँ, आई वॉज गुड इन अकेडमिक्स फ्रॉम स्टार्टिंग, और 12th के बाद मैंने डिसाइड किया था कि आई हैव टू बी इन सिविल सर्विसेज, तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की थी कोरोना टाइम से, और अभी ये वाला क्लियर करा है। एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है, किसे श्रेय देना चाहेंगे? ऑब्वियसली श्रेय तो फैमिली को, फ्रेंड्स को, सीनियर्स को, प्रोफेसर्स को, और ऑब्वियसली मैं खुद ने मेहनत करी है। इकोनॉमिक्स में आपको 4 गोल्डन मिले हैं। जी जी, क्या कहेंगे, किस तरह से, और भी जो लोग हैं जो इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? इकोनॉमिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप उसे रट नहीं सकते हो, आपको उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। आप आसपास से देखकर अपने आप से रिलेट करके इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हो, तो दैट इज मोर देन इनफ। सिर्फ बुक से पढ़ाई नहीं होती है। यूपीएससी या फिर यूपीएससी करना है, क्या अभी और आगे की तैयारी? हाँ, मुझे अभी यूपीएससी में आईएएस के लिए अटेम्प्ट देने हैं, और मैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दूंगी इसके लिए। आपने बिना कोचिंग के ये परीक्षा पास की है 2023 की, और जो यूथ है उसके लिए और कुछ बता दीजिए कि भाई ये बुलेट्स पॉइंट है, आप इनको फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे मेरा रहता था कि मुझे सोर्सेज बहुत मैं मिनिमाइज करती थी, और मैक्सिमम रिवीजन, और दूसरा ये था कि मैं मतलब पढ़ाई से ज्यादा, मतलब अपने जो हॉबीज है उन पे भी मैंने काम किया, सिर्फ पढ़ाई से नहीं। और मुझे सोना पसंद है, तो मैं अच्छा खासा सोती भी थी, और इसके अलावा मतलब जैसे मतलब जो मेरे इंटरेस्ट थे मैंने उनको भी काम किया है, और पढ़ाई पे भी ध्यान दिया है। और मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं सोसाइटी से बैकआउट हूँ, मुझे मतलब बाहर जाना भी, घूमना भी सब पसंद है, और मैंने किया है। 120 गोल्ड में से 91 पर लड़कियों ने बाजी मारी है, क्या कहेंगे इस पे? लड़कियां आगे बढ़ रही हैं ऐसा नहीं है। और मतलब जो लोग सोचते थे ना कि लड़कियां नहीं कर सकती या फिर दे आर मेंट फॉर हाउस होल्ड कोर्स, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने देखा कि मेरे कितने सारे सीनियर्स और दीदी मतलब हैं, जो उन्होंने मतलब इतना हार्ड वर्क, इतना घर को और अपने स्टडीज को संभाला है, और ये अचीवमेंट्स लिए हैं। तो रियली मतलब लड़कियां कम नहीं है किसी से। देखिए, 4 मेडल के साथ हमारे साथ श्रुति माहेश्वरी है, जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किया, और इसके साथ ही यूपीपीएससी में 6वीं रैंक भी हासिल की, और वो टैक्स असेसमेंट के ऑफिसर के पद पर तैनात हुई हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।